अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल जैसे मैंने आपको वादा किया था ये इस ग्राउंड में वीडियो बनाएंगे काइट्स की, आज वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमने दो काइट उड़ा भी लिए हैं, हाथ से पीछे लगेंगे एक दूसरे हाथ से खींची लगाएंगे। शेरू बाबा भी इसमें शामिल है, शेरू बाबा का स्वैग यही है, नकली आपको पेचे दिखाएंगे, नकली मुचली मेचे हैं, ये असली पेचे नहीं है जो रियल होते हैं। एक पेचा लग गया शेरू बाबा, उसकी कट गई है, फखर की काट कट गई है, शेरू बाबा ने एक काट काट दिया। शेरू बाबा ये रे, ये मेरे छोटे भाई ने उड़ा ली काट। शेरू बाबा तो वैसे मेरी सिलकी से लगे हुए हैं, मेरी सिलकी में आपको पता है जो चीज़ लेता हूँ अच्छी चीज़ लेता हूँ, ये मेरी सिलकी से उड़ा रहा है, इस सिलकी से खींची बहुत अच्छी लगती है, और ये तल्ला भी उड़ा रहा है, तल्ला छापर की काट उड़ा रहा है, इनके पीछे लग चुके हैं। शेरू बाबा की काट कट गई है, ये जा रही है, ये छत पर जा गिर, नहीं छत पर नहीं, यहीं पर गिर गई। तल्ला ने एक और काट काट दी है, काट टूट गई है जिससे उसका धागा हवाई हो गया, तल्ला की काट तो गई, बहुत बहुत सिल्की से वो पकड़ ली इन्होंने काट। ब्रो बेईमानी कर रहा है, डोर से लगाया सिल्की को काटने, ये बेईमानी है, शेरू बाबा सिल्की से लगे हुए हैं, शेरू बाबा की मौत आई है। तल्ला फखर शेरू बाबा और ब्रो लगे हुए हैं काट उड़ाने, शेरू बाबा ने एक काट दी है और फखर ने भी एक काट दी है इसकी, अभी ये ब्रो पिटा करेगा डोर से, इसकी दरबार पर काट अट गई है, इनका पेचा लगेगा, दिखाता हूँ आपको। आज क्या लोग आपको थोड़ा फीका फीका लग रहा होगा क्योंकि आज बॉयज नहीं है, वो ट्यूशन गए हैं, उसकी वजह से आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा फीका फीका लगेगा, लेकिन फिर भी हम व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। इनके आपस में पिटने लगे हो गए, आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, ठंडा मौसम है, सूरज भी नहीं है, कल तो सूरज इतना था, आपने कल का व्लॉग देख ही लिया होगा, कल इतना सूरज था वीडियो भी नहीं सही तरह बन पा रही, आज का वेदर। शेरू बाबा की कार्ड ही पता नहीं कैसी गई है, आपको शेरू बाबा के हैंड मेकिंग का पता ही है, वो एक काइट उड़ रही है हमारी, एक ये है और ये है, ये भी है, अच्छा मज़ा आ रहा है। फखर अभी पेचा करेगा, आपको दिखाते हैं पेचा, फखर का पेचा लगने लगा, ये खींच लगेगी, ये फखर ने खींच लगाई, और फखर की कट की काइट वो जा रही है, फखर की काइट कट चुकी है, वो तल्ली की काइट भी कट चुकी है, बहुत दूर है अभी इसकी काइट, वो पकड़ ली है तल्ली ने, ये ग्राउंड है इसलिए यहाँ पर काइट दस्त काटो दस्ती पकड़ लो, ये सही काम है, नहीं तो छत पर जो काइट उड़ाए ना नीचे पकड़ लेते हैं, फिर उनकी हो जाती है, नीचे ऐसे हम डेली उड़ाते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने छत पर काइट उड़ाते थे, आज भी लोग 100 से ज़्यादा व्यू आए, फिर कल से हम फिर यहीं पर बनाएंगे। और ये देखो ये उसकी कटगी ब्रो की, फिर ब्रो ने पकड़ लिया, उसकी काइट गिर गई है नीचे, ब्रो की वो ऊपर आई है, ब्रो की काइट का नुकसान हो गया, वो काइट चले चुकी है, अभी हमें ग्राउंड से कैंची मिल गई किसी की, जिसकी आए वो कहेगा तो दे देंगे, और अभी पारी भी आ रहा है फ्रू, वो भी ब्रो ने अपनी काइट का नुकसान कर दिया है बहुत, ये देखो ये दूसरों की डोर से उड़ा रहा था, वो इसको गाली दे रहा है कि मेरी डोर वापस करो, जरूरत आ गई लानता पड़ी है इसे मुंह पर, वो भी अपने कार्ड लेकर आ गया, वो भी कार्ड प्लान करेगा, ये देखो अभी कार्ड कट गई शेरू बाबा की, ये लाइफ कार्ड कैचिंग कर रहे हैं, आते साथ ही पहला पेचा लगने लगा है, पारी को तो खींच बहुत अच्छी आती है फ्रूट को, देखना ये अभी खींच लगा कर दिखाता, ये पारी के हाथ से पेचा लगा हुआ है, ऊपर कार्ड गिरा दी शेरू बाबा ने, शेरू बाबा को आते ही ऐसे के पेचे है कि खिचम दी करे, शेरू बाबा की कट के रखे साथ ही चिमड़ गई है, ये फ्रूक ने पकड़ लिया, नहीं पकड़ी, ये गड्ढे में गिर गई है, और पारी ने एक पारी का यहाँ से पेचा लग गया, पकड़ के कट चुकी है, मैं वीडियो में नहीं दिखा सका, पारी ने उसको खींच लगा दी है, बहुत ही हैवी किस्म की खींच लगाए थे, लेकिन वीडियो मैंने बंद कर दी थी, ये पेचा नहीं कर रहे थे, तली की वो काइट लगी हुई है, तली छापर की काइट उड़ा रहा है, ये देखा ये इनके हाथ से पीछे लगने लगा, तली को खींच लगा दिया पारी ने, वो जा रही है ब्रो
तली के। ये काइट ने दो काइट आते सारी काट दी है, वो पकड़ रहे ब्रो और वो। ये काइट गई है, काइट का नुकसान हो गया एक और काइट का। ये काइट अभी वापस नहीं आएगी, लड़का एक गया पीछे उसके। पारी ने एक काइट का आते सारी नुकसान कर दिया है। तली की काइट बहुत दूर चले गई है। शेरू ने अपने भाई को मारा हुआ है। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही बनाएंगे क्योंकि आज के व्लॉग में कोई मज़ा नहीं आ रहा वीडियो में। आज का व्लॉग 6 मिनट या 5 मिनट का व्लॉग बनाऊंगा मैं। आज कल इतना बड़ा मैं शॉर्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि पारी ये कार्ड हमारी दो ही रह गई हैं, बाकी सारी कार्ड टूट गई हैं। हमारी बाकी सारी कार्ड टूट गई हैं और कार्ड है भी नहीं, हमने ज़्यादा बनाई नहीं क्योंकि ये आपको लास्ट पेचा दिखाएंगे, इसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। इनका लास्ट पेचा लगने लगा है और हम दोबारा न्यू से एक पतंग चढ़ाने लगे। ये बहुत अच्छी खींच लगाई है, ये कट गई कार्ड, फखर की कार्ड कट गई है। और ये गेम को पारी ने विन कर लिया। ये कार्ड कटती जाती है। तो इस व्लॉग को ये करते हैं यहीं पर एंड। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।